और वो एंड कब लिखा आएगा, जब युगल सरकार हमारे सामने खड़े होंगे, त्रिभंग ललीनाथ साथ में श्यामाजू, सब सखियां, सब पूर्वाचार्य, हमारे वृंदावन के सब रसिक जन जहां विराज रहे हैं, वहां की प्राप्ति यही एकमात्र उद्देश्य है। ये उद्देश्य ऐसी हर व्यक्ति अपना उद्देश्य समझे बंधु, मैं क्यों हूं इस धरती पर, मेरा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जानो। तो तीन दिवसीय चर्चा तो ब्रज के रस की है, इसलिए ज्ञानी वैरागी विरक्ति और तर्क कुतर्क वितर्क में रहने वाले लोगों को ये बात समझ में नहीं आएंगी, इसलिए पहले ही हम स्पष्ट कर दे रहे हैं, इस रस में प्रवेश करो तो प्रेमी बन करके, जैसे गोपी बन के महादेव गए वैसे गोपी बन के प्रवेश करना, नहीं तो ये रस हर किसी को समझ में नहीं आता है। वृंदावन, श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है। अच्छा, पद ज्यादा गवेंगे तीन दिन तक, इसलिए भजनों की आकांक्षा भी कम रखना। हरिराम व्यास जी का एक पद, अच्छा देखो, हरिराम व्यास जी का नाम सुना है? ये भी आपके काशी से भेजे गए हैं वृंदावन, हैं तो ओरछा के, पूरे विश्व में भ्रमण कर लिया, विद्वानों को हराते थे केवल, लेकिन जैसे ही काशी आए और विद्वान यहां के घबरा गए, बोले कि भैया हरिराम व्यास जी से कौन संवाद करे, ये तो सबको हरा देते हैं, इतने विद्वान हैं। तब सब विद्वान महादेव के पास गए, तब काशी विश्वनाथ प्रभु ने हरिराम व्यास जी को एक ब्राह्मण का रूप धारण बना करके गए और जाकर के आज्ञा की कि आप श्री वृंदावन जाओ, अपनी विद्वत्ता से वृंदावन रस का बखान करो। आप विद्वान इसलिए नहीं बने कि आप सबको हराओ, आप इस विद्वान इसलिए बने हो ताकि आप अपनी विद्वत्ता से वृंदावन ब्रज रस का उत्थापन करो। निश्चित मानिए, कभी कभी मन में भाव ऐसा आता है कि काशी में भजन करने का परिणाम, काशी में निवास करके महादेव की उपासना करने का फल क्या है, अगले जन्म में ब्रज की प्राप्ति, और ये निश्चित मान लेना आप, क्योंकि महादेव यहां से सबको ब्रज ही भेजते हैं, स्वयं ब्रज में विराज रहे हैं, तो निश्चित है कि यहां निवास करने वाले, उपासना करने वाले ब्रज प्राप्त करेंगे। तो हरिराम व्यास जी का एक पद है बहुत सुंदर, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, कनककूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, कनक कूट कोटिक लग बजिए बजिए, कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन साचो।
बंधुओं, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं वृंदावन सांचो धन। धन क्यों कहा वृंदावन को? हम सब कमाने में ही रति रखते हैं अपने। बालक जन्म लेते ही जैसे ही उसमें बुद्धि विवेक आने लगता है, माता पिता सिखाने लगते हैं कि अब कमाना कैसे। विद्यालय पढ़ने जाता है तो वहां भी यही सीख के आता है कि कमाना कैसे। पत्नी भी तभी ब्याह करती है जब पता चले कमाता कैसा है। बच्चे भी तभी गौरव से नाम लेते हैं पिता का कि हमारे पिता कमाते कितना है। कमाई के पीछे ही पूरी दुनिया चल रही है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं भैया दुनिया में कुछ भी कमा लो, लेकिन सच्चा धन तो श्री वृंदावन है। वृंदावन को कमाओ। और वृंदावन कमाया कैसे जाता है? गुरुजनों की कृपा, रज की सेवा, रस की सेवा। जब तक प्रेम हृदय में उत्पन्न नहीं होगा तब तक वृंदावन कमाया नहीं जा सकता। और एक और बात कहें, कमाई कब प्रारंभ होती है? जिस कंपनी में हम जाएं, उस कंपनी के जो सीईओ हैं या उस कंपनी के जो मालिक हैं, वो जब हमको हायर करें तब कमाई होती। तो वृंदावन रूपी जो ये धन है, इसके जो अधिपति हैं वो हमारे श्यामा श्याम। जब तक वे हमको हायर नहीं करेंगे तब तक आप वृंदावन कमा ही नहीं सकते। इसलिए मैं कथा में कहा करता हूं कि ब्रज का स्मरण भी श्री जी की कृपा के बिना नहीं हो सकता। आपके चित्त में एक क्षण के लिए भी यदि ब्रज का स्मरण आ रहा है तो भी प्रसन्न हो जाना, क्यों? श्री जी याद कर रही हैं आपको। वृंदावन याद भी आप अपने भाव से नहीं कर सकते, श्री जी की कृपा से ही हो सकता है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कनक कूट को टिक लग तजिए भजिए कुमर कन्हैया। हजार काम छोड़ो, ठाकुर जी को याद करके तो देखो एक बार। कनक कूट को टिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। चरित्र आता है हमारे श्री कुंभन दास जी का, ब्रज के परम रसिक हुए श्री कुंभन दास जी। नाम सुना है? कई लोगों ने नहीं सुना। अष्ट सखा हैं और उनमें एक है श्री कुंभन दास जी। बंधुओं एक बात सदैव याद रखना, श्रीमद् भागवत कहती है प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगि दुर्लभम। हमारे जो भी गुरु हैं, जिनसे भी हमने दीक्षा प्राप्त की है, हमारे भाव से उनकी प्रसन्नता जब तक नहीं होगी तब तक रस का संचार हृदय में नहीं होगा। जैसे मैंने कहा ना, वृंदावन में आना है, वृंदावन रस की प्राप्ति के लिए वहां के जो अधिपति हैं श्यामा श्याम, उनकी प्रसन्नता आवश्यकता। परंतु कई बार क्या होता है, हमको किसी कंपनी में जॉब चाहिए, वहां के कोई हेड हैं, उनसे हमारा डायरेक्ट परिचय नहीं, पर हमारे किसी रिश्तेदार का परिचय है तो हम उससे कहते हैं भाई तुम वहां बात कर लो, हमारी नौकरी लग जाए। ठीक वैसे ये गुरुजन कौन है? ये गुरुजन सब श्यामा श्याम के थोड़े समीपी रिश्तेदार हैं, थोड़े जानकार हैं। इसलिए गुरुजनों को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। गुरुजन प्रसन्न होंगे तब श्यामा श्याम कृपा करेंगे। और ये बात मैं कोई मनगणंत नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत स्वयं कह रही है गुरुजनों की प्रसन्नता अति आवश्यक है। चाहे मीराबाई हो, कुंभन दास हो, सूरदास हो, रैदास हो, कबीरदास हो, इन सब पर कृपा तो गुरुजनों की है। तो कुंभन दास जी, उन पर कृपा गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी की, उनके गुरु। तो एक बार, आज भी ऐसा नियम है नाथद्वार में कि गुसाई विट्ठलनाथ जी, जो कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए। अब देखो हमको कई बार क्या है कि अब जब नई जगह जाते हैं ना, थोड़ा विस्तार से बताना पड़ता है चीजों को। अब यही कथा अगर ब्रज में हो, रसिकों के बीच में हो, तो उनको पता है, तो वहां सीधी सीधी चले, लेकिन यहाँ थोड़ा ब्रीफ देना पड़ता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्रीनाथ जी को विराजमान तो किया, श्री जी बाबा को विराजमान तो किया, परंतु उन्होंने ग्रंथों का अवलोकन और भक्ति का विस्तार में ज्यादा समय दिया। ठाकुर जी के श्रृंगार और भोग की सेवा इतनी ज्यादा प्रारंभ नहीं की। परंतु जब सेवा में गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी पधारे, उन्होंने राग भोग और श्रृंगार
ये तीन प्रणालियां प्रारंभ कर दें ठाकुर जी की सेवा में, राग, राग नहीं तो भोग, भोग नहीं तो श्रृंगार, तीनों तीनों भाव से ठाकुर जी को प्रसन्न करो। तो गोसाई विठलनाथ जी के कृपा पात्र श्री कुम्मनदास जी का चरित्र आता है, बीच बीच में हम सुनाएंगे जो जो भाव लगेगा। तो श्री कुम्मनदास जी को आज पता चला कि गोसाई विठलनाथ जी का आज जन्मदिन है और गोसाई विठलनाथ जी के प्रादुर्भाव दिवस पर आज भी नाथद्वार में जलेबी उत्सव होता है। पूरे नाथद्वार में जलेबियां, उसका नाम ही जलेबी महोत्सव है। जलेबी महोत्सव मतलब गोसाई विठलनाथ जी का जन्मदिन है आज, तो जलेबी महोत्सव। सब लोगों ने दुनिया भर के सामग्रियां ठाकुर जी की सेवा में अर्पित की। सब शिष्य परिकर अपने गुरुदेव के जन्मोत्सव में कुछ ना कुछ भाव रख रहे थे, परंतु कुम्मनदास जी बड़े उदास, क्या करें, क्योंकि कुम्मनदास जी के घर में बड़ा अभावग्रस्त जीवन था। कुम्मनदास जी का, उनके सात तो पुत्र ही थे कुम्मनदास जी के, और फिर उसके बाद भी उनकी एक विधवा भतीजी संग रहती थी। परिवार बहुत बड़ा था कुम्मनदास जी का, घर में खाने वाले बहुत थे लेकिन खाने को लेने नहीं था। यही तो चल रहा है संसार में, किसी घर में खाने वाले बहुत हैं, खाने को नहीं है, किसी घर में खाने को बहुत है, खाने वाले दो ही हैं, कुछ भी नहीं है। तो कुम्मनदास जी का जीवन ऐसा ही था, उनके घर में खाने वाले तो बहुत लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन कुम्मनदास जी बड़े चिंतित कि आज गोसाई जी का जन्मोत्सव और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो कुम्मनदास जी के पास एक गैया थी, बस उसी का दूध निकाल के उसकी सेवा करते थे, कुछ सामग्री बना के श्री जी बाबा को अर्पित करते थे। तो कुम्मनदास जी ने आज अपनी गैया को दान कर दिया, बेच दिया किसी को, थोड़ी बहुत जो राशि मिली वो राशि ले जाकर के कुम्मनदास जी ने गोसाई जी के जलेबी उत्सव में प्रस्तुत कर दी। सब भक्तों के भाव गोसाई जी को पता चले, लेकिन जैसे ही किसी वैष्णव ने जाके बताया, बोले महाराज आज कुम्मनदास जी ने भी सेवा अर्पित किया। बोले कुम्मनदास, कुम्मना पे इतना धन कहाते आयो भैया, कुम्मनदास तो बड़ा अकिंचन है, वापे वाने कहां से सेवा करी। गोसाई जी को चिंता हो गई। गोसाई जी ने जब जांच करवाई तो पता चला कि कुम्मनदास ने अपनी गैया बेच दी और वासे एक ब्रजवासी से कछु धन मिलो वो लगाए हुए। गोसाई जी कुम्मनदास जी को बुलाए, कुम्मनदास जी आए, जय जय प्रणाम, दंडवत प्रणाम करी। जैसे ही आके कुम्मनदास जी बैठे, कुम्मनदास जी के मुख को देखते ही गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। कुम्मनदास जी बोले जय जय, कहा भयो आप इतने उदास क्यों हो, आपके आपके नेत्रन में ये अश्रुबिंद जय जय कोई श्रम है गो हमारी वजह से, ब्रजवासा समझ रहे हो, समझना। अब बुलाया जब श्री जी के भाव के लिए तो ब्रजभाषा ही चलेगी। बोली अश्रुबिंद क्यों। गोसाई विठलनाथ जी बोले कुम्मना कहा आवश्यकता ही, इतने वैष्णवन ने सेवा कर तो दई, फिर तेने अलगते अपनी गैया कोई ब्रजवासी को बेच के ये रुपया कर ला करके तेने सेवा में काई को लगाए हो, जब तो पता है तेरे घर की स्थिति इतनी बढ़िया ना है तो फिर जरूरत थोड़े ही और जरूरी थोड़ी है कुम्मना कि धनते ही सेवा करी जाए, मनते भी तो होवे, तनते भी तो होवे, और मन और तनते तो तू पूरी पूरी करे, जरूरी थोड़ी तू धन की सेवा देवे के काजे ये सब करेगो, तेने गैया काय को बेच दई अपनी, कहा है गौवाते उत्सव तो यथावत अपने रूप में रहे हो, तेने गैया क्यों बेकी। कुम्मनदास जी मंद मुस्कान लगे और कुम्मनदास जी ने आज गोसाई विठलनाथ जी से कहा, बोले कि जय जय, मेरी वा करणी को ये फल कि मेरे गुरुदेव के दोनों नेत्रन से ये अमृत बिंदु प्रकट भये मेरे काजे,
मेरे पर दीन भाव रख के, दया भाव रख के, मेरे गुरुदेव के नेत्रों से ये अमृत बिंदु मेरे काजे प्रकट भय, मुझे लगे कि वो करनी से आज मेरा उद्धार है गयो, कल्याण है गयो। आपने जो ये व्यक्ति का सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है व्यक्ति के पास, उसके अश्रु बिंद, सबके लिए प्रकट नहीं होते बंधु, सदैव व्यक्ति अपने लिए ही रोता है, उसको जो चाहिए ना मिले, उसके साथ जो हो रहा है उन परिस्थितियों की वजह से वो रोता है, दूसरे के लिए अश्रुबिंद प्रकट होना ये बहुत कम होता है। लेकिन आज कुमन दास जी बोले मेरे गुरुदेव के नेत्र सजल भय मेरे काजे, मेरो तो उद्धार आज ही है गयो, यदि अभी मेरे प्राण निकल जाए तो निश्चित है कि मोकू श्यामा श्याम की गोद प्राप्त होगी, क्यों मेरे गुरुदेव ने आज दया करके मेरे ऊपर दीन भाव से नेत्रन से अश्रु बहाए। नाथ भले ही मेरी करनी आपको अनुचित लगी हो, पर मेरी या सेवा से आप मेरे प्रति दया भाव रख रहे हो, मेरो कल्याण तो यही ते है। क्यों बंधु ऐसे भाव ये श्री जी को प्रिय लगते हैं। सब भक्तों की श्रृंखला देखी जाए और उनके अंतरंग भावों को जब देखा जाए तो हम दूर दूर तक नहीं है उनके समीप में, दूर दूर तक भी हमारा कोई समागम नहीं है, हम स्पर्श तक नहीं कर सकते उनके भावों का। I've got to share this. You can get car insurance for as low as $22 per month just by using मीराबाई हूं, कुम्भनदास हूं, सूरदास हूं, इन सबकी योग्यता ही यही है, ये श्यामा श्याम को श्रेष्ठ मानते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हमारे यहां पत्नी भी हमारी, बच्चे भी हमारे, सब कुछ हमारा, उसके बाद ठाकुर जी भी, हाँ ये भी हमारे हैं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए, और हमने तो 25 बैठा रखे, प्रेम गली में घुटन है जाएगी ठाकुर जी को, जामेंगे ही ना। बंधुओं ये बातें ना सुनने में बड़ी आपको अटपटी लगेंगी, लेकिन ब्रजरस भैया है ही अटपटो, वहां श्यामा श्याम के अतिरिक्त और कुछ भी यदि आप लाना चाहोगे तो वे सबसे पहले चले जाएंगे। कुम्मन दास जी के 7 पुत्र मैंने बताए ना, परंतु उनसे कोई पूछता तो वो बोलते 1.5 पुत्र है मेरे, क्यों बोले एक तो चतुर्भुज दास जिन्होंने गोवर्धन वासी सांवरे ये पद गाया, आज सुबह हम सुना रहे थे, ये पद श्री चतुर्भुज दास जी ने गाया, तो 1.5 पुत्र कैसे, 1 पुत्र छोटा था क्या, बोले नहीं, 1 पुत्र में सेवा तो इतनी नहीं थी, पर मंदिर मंदिर के वैष्णवों की थोड़ी सेवा, गौशाला की थोड़ी सेवा वो करता था, इसलिए उसको आधा पुत्र मानते थे, बाकी के श्रेष्ठ पुत्र थे लेकिन भगवत भजन नहीं करते थे, इसलिए कुम्भनदास जी उनको स्वीकार नहीं करते थे। देखो ऐसे कुम्भनदास जी, हम लोग हो सकते हैं ऐसे, हम लोग कभी नहीं हो सकते, इसलिए मैं पहले ही कह दूं ये कथाएं चर्चाएं सुनने तक ही सीमित रखना, अगर लागू करने पर आए ना अपने ऊपर तो जी नहीं पाओगे संसार में। आज वृंदावन लाखों लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वृंदावन रीति से यदि कोई चला गया तो वृंदावन से वापस नहीं जा पाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कथा चल रही थी, वहां मुझे स्मृति आई, पूज्य श्री राधा बाबा महाराज गोरखपुर में विराजते थे लेकिन कभी वृंदावन नहीं गए, क्यों वो कहते मैं अगर वृंदावन गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए गोरखपुर में ही वृंदावन प्रकट कर लिया। तो वृंदावन सांचो धन भैया, ये हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको कमा लिया तो फिर और कुछ कमाने लायक बचोगे नहीं। कोई व्यक्ति चाहे मैं बनारस में भी रहूं और मैं बिजनेस भी करूं और वृंदावन भी मेरे चित्त में रहे, संभव ही नहीं। वृंदावन आया तो सब जाएगा और सबके संग वृंदावन को आप रखना चाहते हो ये असंभव है।
असंभव। कुमनदास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई, जो डेढ़ पुत्र बोलते तो आधा पुत्र जिसको मानते थे उसकी मृत्यु हो गई। जैसे किसी ने जाके बताया तो कुमनदास जी मूर्छित होकर गिर पड़े। सब लोग बोले ये कैसे भक्त, बहुत कहते थे कि मुझे पुत्र पुत्रियों से मोह नहीं, मुझे परिवार से मोह नहीं, आज किसी ने आके बताया पुत्र की मृत्यु हो गई तो कुमनदास जी मूर्छित हो गए। कहां गए आप भजन, कहां गए श्री जी बाबा, कहां गए ठाकुर जी की सेवा, आ गया पुत्र मोह, हो गया प्रकट। सब गए, सब आश्चर्य इस बात का ज्यादा कर रहे हैं कि कुमनदास जी मूर्छित हो गए। इन जैसा भगवतीय भक्त जो कभी भगवान के विमुख अलग कोई बात ही नहीं करता, आज सांसारिक चर्चा पे इतना मोहित। गोसाई विठलनाथ जी को जब पता चली कि कुमनदास जी के पुत्र पधार गए तो बड़े दुखी हुए, लेकिन दूसरी खबर जब मिली कुमनदास मूर्छित हो गए पुत्र विरह में, गोसाई जी बोले मैं मान ही नहीं सकता, ये स्वीकार्य नहीं है बात। कुमनदास पुत्र विरह में मोहित होकर के मूर्छित नहीं हुआ है। जैसे ही गोसाई जी आए, गोसाई जी ने देखा कुमनदास जी मूर्छित पड़े थे, गोसाई जी ने समीप जाकर के कहा कुम्मना, ए कुम्मना चल जल्दी उठ जा, तू चिंता मत करे, तो कुछ सूतक में भी श्री जी के दर्शन करा दूंगा। इतना सुनते ही कुम्मनदास जी खड़े हो गए, जय हो, बस यही तो चाहिए हो महाराज। या हमारे मूर्छित भय कि पुत्र मर गया मतलब सूतक लग गए, अब मैं 7 दिन 13 दिन दर्शन कैसे करूंगा श्री जी बाबा के। उनको इस बात का विरह कम है कि पुत्र चला गया, इस बात का विरह ज्यादा है कि श्री जी दर्शन नहीं होंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं बंधुओं, ये जितनी घर की आपकी चिंताएं भरी हुई है ना, क्यों? क्योंकि घर को हमने प्रायोरिटी दे रखी है। कुमनदास जी को देखो, पुत्र चला गया लेकिन उनको विरह ही नहीं है, वो व्याकुल भी इसलिए हैं कि मैं श्री जी के दर्शन कैसे करूंगा। गोसाई जी ने आकर के सबको बता दिया, बोले हो गया संशय दूर, कुमनदास पुत्र के लिए व्याकुल नहीं है, उसकी तब भी व्याकुलता यह कि कहीं श्री जी के दर्शन नहीं छूट जाए। इसलिए कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। पर हमारा पता क्या है, कनक कूट कोटिकों को भी भजते हैं और फिर कृष्ण कन्हैया को भी भजते हैं, क्या फायदा? दो नावन में पैर रखोगे गंगा जी में डूब जाओगे, एक ही नाव अपनाओ, या तो पूरे पूरे संसार के ही रहो। लेकिन हमारी स्थिति क्या, संसार भी चाहिए लालजी भी चाहिए, कैसे काम चलेगा भैया? या तो लालजी के ही रहो या संसार के ही रहो। और भैया संसार को रहनो ही है तो सबरे संसार को भी लालजी को ही बना दो, जैसे हम बना रहे हैं। बन कितने रहे जी तो पता नहीं, पर कोशिश में तो लगे। अब हमारी स्थिति क्या है, हमको संसार में कथा भी करनी है और ठाकुर जी का भजन भी करना है, इसलिए हमने अपना माहौल बना लिया कि हम वहीं जाएंगे जहां लाल जी के प्रेमी हो, कथा करने जाएंगे, कथा ही चर्चा है, कथा ही जीवन है, कथा मात्र ही के जीवन हम, ऐसे तो संसार में रह सकते हैं और कृष्ण को भी भज सकते हैं। कि भाई हम सबसे ही भजवाएंगे ना, कृष्णदास जी का चरित्र आता है, एक नाचने वाली एक वैश्या को भी जाकर के कृष्णदास जी कहते हैं, नृत्य करके सांसारिक लोगों को क्या रिझा रही हो, चलो हमारे सेठ जी को रिझाना है। और ले गए, ले जाकर के श्रीनाथ जी के सामने नृत्य कराया, जैसे ही उसने देखा सेठ जी कौन है, त्रिभंग ललित ठाकुर जी, एक भुजा ऊपर नीचे नेत्र, दूसरी भुजा कमर पर, मोहित हो गए, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, कृष्ण दास की प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। इसलिए हरिराम व्यास जी जो कह रहे हैं उस बात को सुनो, कनक कूट
कोटिक लगत जिए भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए भजिए कुंवर कन्हैया। वृंदावन सांचो धन भैया, वृंदावन सांचो धन भैया, वृंदावन सांचो धन भैया, वृंदावन सांचो धन भैया। ओ जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला ले तु भलैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला ले तु भलैया। ये विषय ये बात व्यास जी की इतनी प्रिय लगती है मुझे, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। कमला कौन? लक्ष्मी। राधा रानी की बलैया नहीं लेती हैं, चरण रेणु की। किशोरी जी भी जब चल के चली जाए तो उनके चरण चिन्ह जहां छप जाए वाकी कमला बलैया ले रही है। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, ओ आतुर वन में व्यास पुकारे, sharing life-changing hair secrets you need to try, okay? So I am going to start with Vegamore Grow Hair Serum. Life change. Hey, kore sik sunaiya. सुनैया मतलब सुनवे वारो, कोई ज्ञानी सुनैया, विरक्ति सुनैया नहीं, रसिक सुनैया। रसिक, रसिक की परिभाषा क्या है? जो रसो वही शह श्री कृष्ण के और श्री जी के भाव में सदा उन्मुक्त रहते हैं, ऐसे लोग ही ब्रज रस को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। सबके बस की बात ना है इनको समझना। देखो बंधुओं, एक बात आपको स्पष्ट करें, श्री जी की ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीला, उसका वाचन यदि कहीं भी हो ना तो उसमें अधिकारी अनधिकारी का भाव रखना चाहिए। इसलिए हमारे रसिकजन बहुत कहते हैं कि जितना हो सके लीलाओं को गोपनीय रखो, लीलाओं को जल्दी प्रस्तुत मत करो। हम अपनी कथाओं में बहुत कम प्रस्तुत करते हैं लीला विषय। क्यों? क्योंकि अब हमारी अंतरंग लीला है, हमारी निज लीला, उसका कोई वाचन कर दे सबके सामने अच्छा लगेगा नहीं? लेकिन हाँ, कोई हमारे ही प्रियजन हो, उनके बीच में हमारी कोई बात कह दी जाए, जैसे आसपास के
सब मित्र जन मिलके मजाक उड़ाएं या उसके बारे में कुछ भी कहें, उसमें इतना दोष नहीं लगता। क्यों बुरा नहीं लगता? क्यों? मित्र हैं सखा। ऐसे ही बंधुओं, रसिक जनन की बातें और श्री रस रसेश्वर की चर्चा जब तक रसिक जन नहीं हो तब तक नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनको प्रिय नहीं लगता। इसलिए पहले बीजारोपण होना बहुत जरूरी है। हृदय में रस चर्चा का रस बीज उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे हमारे हरिराम व्यास जी कहां से गए? काशी से गए, भेजे गए काशी से, जन्म हुए ओरछा में, लेकिन थौर कहां पाई? वृंदावन। और किसने भेजा? महादेव ने। तो बात यहां से शुरू हुई कि भैया काशी में किया गया भजन, काशी में रही गई कर, यहां रह करके किए गए व्रत अनुष्ठान, इन सब का फल मैं कोई शास्त्रीय प्रमाण से तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन रसिक जनों की कथा के प्रमाण से कह रहा हूं कि काशी में किए गए पाठ पूजा भजन और संयम, जो भी ध्यान की विधि है, उन सब का फल वृंदावन की प्राप्ति है। इस जन्म में हम ब्रजवासी हैं तो निश्चित पूर्व जन्म में हमने काशी में कोई तपस्या करी होगी, काशी में रहके महादेव को खूब बिल्व पत्र चढ़ाए होंगे, इसीलिए वृंदावन मिला। ऐसे कुछ स्थान हैं, जैसे बद्रीनाथ के लिए तो भागवत में ही लिखा है, श्री धाम बद्रीनाथ में तपस्या का फल है ब्रज की प्राप्ति, वृंदावन की प्राप्ति। लेकिन काशी के तो वैष्णवों के, यहां पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने आकर के तो यहीं से भगवत धाम को प्रस्थान किया। कितने रसिक जनों ने काशी में ही रह करके अपनी निष्ठा भाव पूजा को श्रेष्ठ बनाया, उसी का परिणाम फल मिलता है श्री धाम वृंदावन। तो वृंदावन सच्चा धन है। श्यामा श्याम को नित्य भजो। और मैं तो कथाओं में कहा करता हूं जितना हो सके वृंदावन नाम का ही स्मरण करो, वृंदावन को ही भजो। वृंदावन भजोगे सबको भज लोगे, सबका नाम हो जाएगा। कृष्ण नाम स्मरण, राधा नाम स्मरण, यमुना जी का स्मरण, रज का स्मरण, संतों का स्मरण, सबका स्मरण केवल ब्रज कहने से, वृंदावन कहने मात्र से हो जाता है। वृंदावन तो ये श्री जी रसामृत, श्री जी अर्थ क्या है इसका? श्री यानी राधा। अच्छा, हमारे वृंदावन में स्पष्ट राधा शब्द कहने पर मना करते हैं, लेकिन बाहर के लोग और कुछ जानते नहीं तो सीधे राधा ही बोलते हैं। लेकिन अब आप लोग जो यहां बैठे हो यहीं से बदलाव शुरू करो, वृंदावन आओ, श्यामा जी कहो, किशोरी जी कहो, श्री जी कहो, राधा, ये सीधा राधा मत बोलो। श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की कुछ दिन पहले कथा सुनना था, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि देखो स्पष्ट राधा कहने का अधिकार केवल श्याम सुंदर के पास है, स्पष्ट कृष्ण कहने का अधिकार केवल श्री जी के पास है। कृष्ण केवल श्री जी बोल सकती हैं और राधा केवल श्याम सुंदर बोल सकते, हम क्या बोले? श्री जी बोलो, श्रीनाथ जी बोलो, या श्यामा जी बोलो, किशोरी जी बोलो, पर स्पष्ट राधा मत बोलो। मुझे तो बहुत अनुचित सा लगता कोई स्पष्ट राधा बोल दे सामने। ठीक है राधा रानी बोल रहे हो, पर फिर भी मर्यादित होके श्यामा जी बोलो, श्री जी बोलो, किशोरी जी बोलो, राधा मत बोलो। वो अधिकार श्याम सुंदर का है। हाँ, मन में जाप करो, मन में स्मरण करो खूब, पर जब बोलने की बात आए तो श्री जी ही उच्चारित करो। तो श्री, श्री का अर्थ होता है या तो ज्ञानवर्धका, विवेकवर्धका, प्रेमवर्धता, इन सब का जो वर्धन करे हमारे हृदय में वो श्री। लक्ष्मी को भी श्री कहा जाता है, लक्ष्मी भी श्री है, सरस्वती भी श्री है, ये सब श्री का ही स्वरूप है। पर इन समस्त श्रीयों की अधिष्ठात्री हमारी श्री राधा रानी,
हमारी श्री किशोरी जी। इसलिए श्री माने जो प्रेम का वर्धन करे, विवेक का वर्धन करे चित्त में, वो श्री। अब नाथ शब्द का प्रयोग करते हैं श्रीनाथ जी। अब श्रीनाथ जी में अर्थ क्या लगता है? श्री के जो नाथ है, मतलब राधा के जो नाथ हैं, वो श्री कृष्ण श्रीनाथ जी, ये अर्थ ही लगाया जाता है विशेष रूप से। लेकिन हम इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं। श्री माने किशोरी जी, जिनकी नाथ हैं वो श्रीनाथ जी। लाल जी नाथ नहीं है ठाकुर जी के, श्री जी नाथ हैं। अभी बहुत रहस्य हैं, अभी धीरे धीरे, देखो 2 दिन में और 3 दिन में जितने खुल जाएं, मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं खोलने का भाव। ये बिहारी जी, ये बिहारी बिहारिणी, ये ठाकुर जी को बोलते ही नहीं, श्री जी को बोलते हैं हमारे यहां। राजा शब्द वृंदावन में श्याम सुंदर के लिए नहीं है, किशोरी जी के लिए। किशोरी जी अधिष्ठात्री हैं। तो श्री जी यानी कि किशोरी जी, और उनके चरणों में कौन विराज रहे हैं? बोले पूरे वृंदावन के जी यानी कि हृदय में राज करवे वारे श्याम सुंदर, वो श्री जी, दोनों के नाम उच्चारित होते हैं श्री जी। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज, इस पद के अंतिम भाव में श्री विठल विपुल बिहारिन देव जी का पद है। वो कहते हैं विठल विपुल बिहारिन केवल ज्यों जलधर सो काज। बहुत ध्यान से सुनो, श्री बिहारिन देव जी कह रहे हैं हमारे ऊपर श्री जी की कैसी कृपा। बोले श्री जी की कृपा जिस पर है वो कैसा है, उसको कितनी निर्भीकता है, कितना निडर होकर के वो व्यक्ति रह सकता है। बोले ज्यों जलधर सो काज, जैसे जंगल का राजा शेर, लेकिन वह भी आकाश में काले बादलों को देख करके और उन बादलों की गड़गड़ाहट सुन करके अपने गुफा में जाकर के बैठ जाता है, ऐसे श्री जी की कृपा हमारे ऊपर है। ज्यों जलधर सो काज, जैसे काले बादलों की गर्जना से सिंह भी डर जाता है, वैसे ही श्री जी की कृपा जिनके ऊपर है, लाडली जी की कृपा जिनके ऊपर है, वह भी ऐसे ही है। क्यों? बोले उनके ऊपर श्री जी विराज रही हैं तो उनके काम क्रोध ईर्षा द्वेष अभिनिवेश संसार के जितने भी आसक्तियां हैं, ये सारे सिंह श्री जी की कृपा की गर्जना से डर करके भाग जाते। ऐसी श्री जी की कृपा है, ऐसी लाडली जू की कृपा है। ज्यों जलधर सोंगाज। हमारे भागवत में श्री यमुना जी कहती हैं सीधे श्याम सुंदर के शरण में मत जाओ, पहले श्री जी की शरण ग्रहण करो, लाडली जी की शरण में जाओ। जब लाडली जी कृपा करेंगे तब श्याम सुंदर की शरणागत हो। हम लोग सीधे श्याम सुंदर के चरणारविंदन को प्राप्त करवे चले जाएं, वे ऐश्वर्य भाव से हमको स्वीकार करते होंगे, वे ईश्वर बनकर के हमको स्वीकार करते होंगे, पर श्री जी के भाव से उनके पास जाएंगे तो जैसे कोई प्रिय स्वीकार करता है, कोई प्रेमी स्वीकार करता है, नाथ ऐसे स्वीकार करेंगे। अब इसका उदाहरण एक प्रकार से ऐसा, किसी व्यक्ति से आप मिलने गए, कोई पदाधिकारी है, तो पदाधिकारी से सीधे मिलने जाओगे तो वो अपने पद का ही अभिमान रखेगा, लेकिन आप उस पदाधिकारी के किसी प्रिय मित्र के संबंध से उसके पास जाओगे तो वो प्रियता से ही मिलेगा, चाय भी पूछेगा, नाश्ता भी पूछेगा। ठीक वैसे ही भागवत के पूर्व महात्म्य श्री यमुना जी कहती हैं कि श्री जी की शरण पहले ग्रहण करो, उसके बाद श्याम सुंदर को ग्रहण करो। अच्छा, ग्रहण करो श्री जी की शरण, तुम ग्रहण करो, श्याम सुंदर तुम्हें ग्रहण करेंगे। लेकिन श्री जी की शरण भी बड़ी कठिन है, लाडली जू सब पे कृपा करें ये भी तो संभव नहीं, तो किशोरी जी कैसे कृपा करेंगी?
किशोरी जी की कृपा की आकांक्षा की अनुभूति करनी हो तो पहले यमुना जी की शरण ग्रहण करो। अच्छा, अब यमुना जी की शरण कैसे ग्रहण करें? ये चतुर्पंच हमने अभी मुजफ्फरनगर कथा थी तो वहां एक भाव मन में प्रकट हुआ। वृंदावन में पांच पंच हैं, जैसे पंचायतन होते हैं ना, ऐसे वृंदावन के पांच पंच हैं। वृंदावन के प्रथम पंच वृंदावन की रज। लोग बाग सीधे वृंदावन पहुंच करके बिहारी जी घुसते हैं सीधे, सबसे बड़ी गलती करते हैं ये। वृंदावन आके सबसे पहले वहां के प्रथम पंच रज को प्रणाम करो। सबसे पहले रज माथे पर लगी होनी चाहिए, उसके बाद वृंदावन भ्रमण करो। वृंदावन में आप घूमो तो आपके माथे पर, आजकल लोग तिलक विलक लगवा लेते हैं, राधा राधा लिखवा लेते हैं, वो आवश्यक नहीं है। वृंदावन आओ तो रज से श्रृंगार करो अपना। बहुत श्रृंगार का शौक है ना आजकल लोगों को, गोपी बने घूमते पूरे वृंदावन में। आओ ब्रज रज लो, उसका श्रृंगार करो, उससे अपना रूप सजाओ। सबसे पहली पंच वृंदावन की रज, उसको प्रणाम। रज के प्रणाम के बाद वृंदावन की सीमा से लेकर जब तक वृंदावन में भ्रमण करते रहो तब तक जितने भी वृक्ष दिखें, ये दूसरे पंच है, वृंदावन की लता कुंज, इनको प्रणाम करो। कुंज ने कुंज, ये दूसरे पंच। वृंदावन के तीसरे पंच हमारे ब्रजवासी, ब्रजवासियों को प्रणाम करो। चाहे ब्रजवासी आपसे ढंग से बात ना भी करे, अल्लड़पने से रहे, फिर भी उसको प्रणाम करो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचप्पमानम सुधा। वृंदावन शतक में वृंदावन महिमामृत में कहते हैं कि ब्रजवासी की डांट पड़ जाए तो समझ जाओ श्यामा श्याम रीझ रहे हैं, किशोरी जी प्रसन्न है रही हैं, यही मारे डांट पड़वा रही हैं। लेकिन आपसे ब्रजवासी सिहा सिहा के ही बोले, आनंद से ही बोले, खुश खुश ही रहे तो चिंता होनी चाहिए मन में, ये डांट क्यों नहीं रहा मुझको, ये मुझ पे अभी तक चिल्लाया क्यों नहीं है। तो फिर कुछ ऐसा करो कि ब्रजवासी को गुस्सा आवे, श्री जी कृपा करें। तो वृंदावन में सम्मान नहीं, नीचप्पमानम सुधा, कोई डांट फटकार पड़ जाए तो। ये तीसरे पंच हैं, प्रथम रज, दूसरे वृक्ष, तीसरे ब्रजवासी, और चौथे यमुना जी। श्री यमुना जी को प्रणाम करो, यमुना जी को वंदन करो। यमुना जी को वंदन करवे के बाद फिर हमारे वृंदावन में पांचवे पंच हैं श्री गोपेश्वर महादेव, उनको प्रणाम करो। वृंदावन में बंधुओं पूज्य श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, आप कृपालु जी को जानते हैं, प्रेम मंदिर जिनके द्वारा स्थापित हुआ, उनकी एक रचना है, उनका एक पद है, उसमें एक बहुत सुंदर बात वे कहते हैं। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। तोर गुण गावत दिवस बितावत, द्रग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर श्री राधे की, जय कृपा की को। महादेव आए तो वृंदावन रास करने थे, पर रास के बाद श्यामा श्याम ने दोनों ने मिलकर के महादेव को बिठा दिया। बोले आप यहाँ विराजो, क्या करने के लिए विराजे? बोले जैसे आपको गोपियों ने गोपी स्वरूप प्रदान किया, अब वृंदावन आने वाले हर रसिक को आप गोपी भाव प्रदान करो। लेकिन लोग भूल जाते, वंचित रहते, वृंदावन आए कितने लोग आज तक गोपेश्वरी नहीं गए। कितने लोग वृंदावन आए आप में से? सब आए हो ना, गोपेश्वर कितने लोग गए?
हर बार जाते हो? जाया करो, ये हमारे वृंदावन के पांचवे पंच हैं। और सुनो हमारी बात एक और, ओम नमः शिवाय नहीं बोलना वहां जाके। महादेव मां भूले बैठे हैं कि मैं महादेव हूं, उनको याद काहे को दिलाओ जाके कि महाराज आप महादेव हो? नहीं नहीं, हम भूले बैठे हैं। गोपेश्वर, ये गोपी गीत का पाठ किशोरी जी के सामने, ठाकुर जी के सामने भले ही मत करो। देखो ये तो तब का पाठ है गोपी गीत, जब एकांत में हो। वैसे तो मैं कहता हूं कि रात्रि लाल जी को जब सुलाओ तब गोपी गीत सुनाओ, पर फिर भी यदि अभी के भाव से कहूं तो कुछ भाव मन में आया कि गोपी गीत का पाठ करना हो ना तो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के सामने करो, गोपी प्रेम प्रदान करेंगे महादेव, वो इसीलिए विराज रहे हैं। तो ये वृंदावन के पांच पंच हैं, रज, वृक्ष, ब्रजवासी, यमुना जी और गोपेश्वर। इन पांचों को प्रणाम के बाद फिर आप जाओ राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा मदन मोहन, दामोदर, बिहारी जी आदि, जहां जाना हो आप स्वच्छंद हो। फिर पांच पंचों की आपको अनुमति मिल गई है। तो बात इधर से शुरू हुई थी कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए किशोरी जी की शरण ग्रहण करो और किशोरी जी की प्राप्ति के लिए यमुना जी की शरण ग्रहण करो। परंतु बंधुओं देखो, ऐसे तो मैं नीचे चलता ही चला जाऊंगा, इनके लिए फिर इनके करो, इनके लिए इनके करो। परंतु मूलभूत यदि एक बात कहूं तो ब्रज रज यदि माथे से लगी है तो सब स्वीकार कर लेंगे। अगर मंदिर का, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अंदर का कार्ड आपके गले में लटका हो तो कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक वैसे ही हमारे ब्रज रस की रज यदि माथे से लगी हो तो किशोरी जी भी स्वीकार करेंगे, लाल जी भी स्वीकार करेंगे, यमुना जी भी स्वीकार करेंगे, ब्रजवासी भी स्वीकार करेंगे, संत रसिक भी स्वीकार करेंगे, सब स्वीकार करेंगे। इसलिए ब्रज रस में प्रवेश के लिए रज उपासना बड़ी आवश्यक है। उस रज की महिमा को लोग जाने धूल समझते हैं, धूल नहीं है वो, रज है। और वो रज, उस रज की उपासना आपके काशी का नेतृत्व करके गए वृंदावन हरिराम व्यास जी ने की। अच्छा मुझे एक और बात, जब भी मैं काशी आता हूं कथा का कोई क्रम होता है मुझे हरिराम व्यास जी बहुत याद आते हैं, यहीं पे आते हैं क्योंकि वो यहीं से गए थे ना वृंदावन। हरिराम व्यास, उनको वृंदावन ने स्वीकार कब किया? जब उन्होंने यह गाया, क्या? किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज तेरे चरणन की रज पाऊं, जा रज को ब्रह्मादिक तरसत, जा रज को मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज तेरे चरणन की।
बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं व्यास स्वामी देखो यहाँ पर हरिराम व्यास जी ने पहले तो रज की महिमा बताई और गाते गाते कहने लगे कि व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं या निरखत मतलब रज शीश चढ़ाते ही छवि दिखन लगी किशोरी जी की व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं व्यास स्वामिनी विमल विमल यश गाऊं विमल विमल यश गाऊं किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं श्याम जो तेरे चरणन के रज सबका अधिकार केवल रज में जे प्रिय लगे तो फिर सब कृपा करेंगे। फिर ये सबका जानना आवश्यक नहीं कि ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए किशोरी जी की प्राप्ति के लिए यमुना जी की प्राप्ति के लिए ब्रजवासी, ब्रजवासियों की प्राप्ति के लिए जय प्रभु, तो नीचे चलते ही चले जाओ। परंतु इन सबके पास अधिकार प्रदान करने में एक में सामर्थ्य है और वो है ब्रज की रज। ठाकुर जी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए हों, परंतु ब्रज रज आज भी व्यवस्थित है। भागवत में वर्णन आता है इतना सुंदर कि जब श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे ठाकुर जी को ले जाने के लिए मथुरा, बहुत ध्यान से सुनना, तो अक्रूर जी